और ये देखिए एक पानी का टैंक यहाँ पे बना हुआ है। ये पानी का टैंक है सरकार की जो स्कीम है हर घर जल, जो स्कीम है उसके थ्रू ये पानी आया हुआ है। तो ये सीधे श्रीनगर से ये पानी आता है, अलकनंदा नदी का पानी पंप द्वारा इसको यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। और ये देखिए पानी ओवरफ्लो हो रहा है, अभी यहाँ से पानी गिर भी रहा है। ये कई सारे गांवों को जोड़ने वाली स्कीम है और ये सीढ़ी लगी हुई है। ऊपर जाके देखता हूँ पानी का फ्लो कितना है। ये देखिए पूरा टैंक भरा हुआ है, तो कितना तेजी से पानी गिर रहा है इसके अंदर। लेकिन इस पर एक ताला होना चाहिए था, ऐसे इस पानी को कोई भी ढक्कन खोल के, वैसे यहाँ ऐसे गांव में ऐसे कोई खतरा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर ताला होना चाहिए। तो एक टैंक ये है जो पूरे गांव को अलकनंदा नदी का पानी सप्लाई करता है। इसके अलावा एक टैंक और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सामने जो पहाड़ियां आपको दिख रही हैं वो पूरे बांझ के जंगल हैं। उन्हीं बांझ के जंगलों से, उन्हीं बांझ की जड़ों का जो पानी उस पहाड़ी पे आता है वो इस टैंक में, यहाँ देखिए एक ही इतना बड़ा टैंक है। गांव के लोग जो पीने के लिए पानी यूज करते हैं वो इस टैंक में स्टोर होता है और इस टैंक से सप्लाई गांव में जाती है। नीचे आपको हमारा सुमाड़ी गांव दिख रहा होगा। तो दो टैंक हमारे पास हैं, एक ये बिल्कुल शुद्ध साफ बांझ की जड़ों का पानी इस टैंक में स्टोर होता है जो पीने के लिए यूज हो रहा है अभी तक, और ये लाइन कई बार टूट जाती है जब वहाँ लैंडस्लाइड होता है कभी उन जंगलों में, तो उस दौरान काफ़ी दिनों तक, ये समझिए कई बार तो 30 दिन महीना पूरा लग जाता है, कभी 15 दिन, कभी पूरे महीना वो लाइन डैमेज रहती है। खासकर गर्मियों में ये होता है, मई जून में जब पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके लिए फिर जब ये अल्टरनेट नहीं था हमारे पास, ये दूसरा टैंक नहीं था, अलकनंदा वाला पानी नहीं था, तो फिर गाँव के बीच में, अभी यहाँ कुछ पेड़ों की वजह से वो फील्ड दिख नहीं रहा है, लेकिन गाँव जहाँ आपको एक मंदिर दिख रहा होगा, लाल बिल्डिंग दिख रही है, उसके पास में ही एक प्राकृतिक स्रोत है जिसको नाव बोलते हैं गाँव में। तो सारे गाँव का पानी उस नाव से, सारे गाँव का को पीने का पानी उपलब्ध होता है, और हमें अपने मोहल्ले से नीचे उतर के उतना नीचे जाना पड़ता है और वो पानी हमें पीने के लिए लेके आना पड़ता है। तो वो गर्मियों में थोड़ा सा कष्टदायक एक वो हुआ करता था, लेकिन अब शायद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स है पानी का। ये अलकनंदा वाली जो स्कीम है नदी के द्वारा, जो पंपिंग स्कीम ये आ गई है, हर घर नल या हर घर जल जो भी वो है, तो इससे अब हमें वो पानी उपलब्ध हो जाया करेगा। देखिए कितना पानी यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, गिर रहा है पानी। काश ये किसी खेत में यूज हो रहा होता। अब मैं यहाँ पे थोड़ा पानी पी ले